हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को रॉयल इनफील्ड शॉटगन 650 जो कि न्यूली लॉन्च है, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं भाई, दिल्ली के शोरूम्स में ये वाली बाइक जो अब लॉन्च हो चुकी है। आज इस वाली वीडियो में मैं इस बाइक का वाइब्रेशन टेस्ट करने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को इसका जो सीट हाइट टेस्ट था वो भी आप लोगों को दिखा दिया था, डिफरेंट स्टेजेस के लोग खड़े करके मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कितनी जो मिनिमम हाइट के बंदे हैं एंड कहां तक मैक्सिमम जो हाइट के बंदे हैं इस बाइक को चला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज की ये वाली वीडियो जो होने वाली है वो स्पेशली होने वाली है इसके वाइब्रेशन टेस्ट के ऊपर। भाई, रॉयल एनफील्ड का ऐसा कहना है कि ये जो इंजन है नया 650cc का, इसमें वाइब्रेशन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अब जो नई बाइक्स आ रही हैं रॉयल इनफील्ड की उसके अंदर आप लोगों को जीरो वाइब्रेशन मिलती हैं। रॉयल इनफील्ड का ऐसा कहना होता है हर बाइक में लॉन्च करने से पहले, पहले आप लोगों को रॉयल इनफील्ड की बाइक्स के अंदर ना वाइब्रेशन बहुत ज्यादा मिला करती थी, लेकिन अब जो है वो किसी भी बाइक के अंदर आप लोगों को वाइब्रेशन नहीं मिलती है। मैंने वाइब्रेशन टेस्ट क्लासिक 350 पे भी किया है, बुलेट 350 पे भी किया है नई वाली, एंड और भी काफी सारी बाइक्स में अलग अलग टेस्ट जो है वो करता हूँ रॉयल इनफील्ड की बाइक्स पे। अगर आप लोगों को ये जो चैनल है वो यूजफुल लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आप लोग को इस बाइक का वाइब्रेशन टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। एक ग्लास रखूंगा मैं पानी का, तो उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि भाई कितनी वाइब्रेट बाइक कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। वेल गाइस, ये है मेरे पास अभी एक खाली ग्लास, एक एम्प्टी ग्लास है अभी मेरे पास, इसको मैं सबसे पहले रखने वाला हूँ, उसके बाद मैं रखूंगा एक पानी का ग्लास। अगर ये वाइब्रेट करा तो देखते हैं कि भाई, क्योंकि पानी का ग्लास में तो होता है वेट, अगर ये वाइब्रेट करा तो इसका मतलब भाई थोड़ी बहुत हल्की सी वाइब्रेशन है जो कि होनी भी बनती है भाई, क्योंकि जीरो वाइब्रेशन तो भाई कोई भी कैसे कह सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाइक को स्टार्ट करते हैं। भाई ये भी वाइब्रेट नहीं कर रहा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बाइक स्टार्ट है इस टाइम, मैं रेस देता हूं, ये भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है। अब रखते हैं पानी का गिलास। तो गाइस, ये आप लोगों ने देखा भाई, बाइक जो है वो पास हो चुकी है बिल्कुल। भाई रॉयल इनफील्ड सही कहता है, आप अपनी किसी भी बाइक में जीरो वाइब्रेशन देता है। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि भाई पानी जो है वो बिल्कुल भी ही नहीं हिल रहा है, सीट पर रखने के बाद बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। हल्का फुल्का जो टैंक पे है, क्योंकि भाई 650cc का इंजन है, बहुत पावरफुल इंजन है रॉयल इनफील्ड का, तो ये जो है हल्का सा वाइब्रेट करना तो भाई बनता है। और पानी ग्लास वाइब्रेट नहीं कर रहा है, अंदर का जो पानी है ना वो वाइब्रेट कर रहा है। ग्लास जहां मैंने रखा था, यहां मैंने ग्लास रखा था, तो भाई ग्लास यहीं का यही है, ग्लास अभी इधर नहीं आया ऐसा रख के, समझ रहे हो? तो ये जो बाइक है भाई बिल्कुल पास हो चुकी है, जीरो वाइब्रेशन है बाइक के अंदर, ये चीज बिल्कुल सही है। एंड ये जो वाइब्रेशन टेस्ट था या ना, इसमें आप लोगों को करके दिखाया था कि आप लोगों को मदद मिल सके अगर आप लोग इस बाइक की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो। बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था, अगर आप लोग को वाली वीडियो जो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर आप लोग नहीं थे, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आप लोग आए हैं, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी प्लीज कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।